हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। इस वीडियो में मैं आपको लोकसभा चुनाव 2019 में विभिन्न दलों को जो सीटें मिली हैं उसके बारे में बता रहा हूं। भाजपा को मिली है 303, कांग्रेस को 52, डीएमके को 23, वाईएसआरसी को 22, तृणमूल कांग्रेस को 22, शिवसेना को 18, जनता दल यूनाइटेड को 16, बीजेडी को 12, बसपा को 10, टीआरएस को 9, एलजेएसपी को 6, सपा को 5, एनसीपी को 5, सीपीआईएम को 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, टीडीपी को 3, एआईएमईएस को 2, सियाद को 2, सीपीआई को 2, अन्य को 22। तो यहाँ पे ये जानकारी है कि प्रत्येक दल को कितनी सीटें मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं विभिन्न कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए वीडियोज बनाता हूँ और मैंने कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।